सामने की पहाड़ियां देख लो, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है और आज मस्त धूप लगी है। चलिए भाई, अब भाई जी का टेंट लग रहा है इधर, इनका भी वही सिस्टम जैसा हमारा है। बाकी इन दोनों के साथ कोई इंसिडेंट हुआ आज, लेकिन बताएंगे नहीं हम अभी क्या हुआ। तब से ढूंढ रहा था, अब जाके मिली। गर्मा गर्म चाय बन रहा है आग में और उसके बाद नाश्ता बनेगा। तो चले जी, आज का हमारा ट्रैक शुरू हो गया है सुबह के करीबन 7:30 बजे से। कल गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं चढ़ाई की ओर चढ़ रहा हूँ। लगा लो थोड़ी देर बाद आपको एक अच्छी लोकेशन दिखाने वाला हूँ। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे हिमालय की ऊंची चोटियों से। सामने की पहाड़ियाँ देख लो, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है और आज मस्त धूप लगी है और बर्फ भी देख लो सामने। पिछले 2-3 दिन पहले आए थे, उस टाइम इधर पूरा बर्फ था और आज देख लो पिघल गया, यानी गर्मी इतनी तेज है कि बर्फ पूरा पिघल जा रहा। आप लोग सोच रहे होंगे कल घर थे और आज सीधे जंगल दिखाई दिए, तो मैंने रास्ते में ब्लॉग शुरू नहीं किया। कल लास्ट वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि भविष्य बद्री के कपाट भी खुल गए हैं और समझ लो हमारा सीजन भी खुल गया है, जड़ियों के कपाट भी खुल गए हैं आज से। तो लगा लो आज से लगातार यहीं रहेंगे, अप डाउन नहीं सबसे करना। पहले अपना ये टेंट सेटअप किया, ये अंदर से फॉरनर टेंट है, बाहर से इसके लिए बचाव के लिए है, केवल बारिश को रोकने के लिए, क्योंकि हवा भी तेज चलती है और बारिश के लिए भी ये बाहर से लगाया ये वाला है। ब्लॉग पता नहीं कब अपलोड होगा, या जब बीच में बाई चांस घर निकल गए तो तभी हो पाएगा, या तो सीधे 15-20 जून के बाद अपलोड होने वाला है। फिलहाल अभी थकान लग गई है तो पवन भाई ने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक रखी है, तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। चलिए भाई, हिमालय की ऊंची चोटियों से इस कोल्ड ड्रिंक का आनंद लेते हैं। कि ये वाला सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पर्वत, ये है बुग्याल कोटी, जिसकी ऊंचाई है 5037 मीटर। लगा लो यहाँ लगभग उसके निचले हिस्से तक हम जड़ी ढूंढने जाते हैं, लेकिन उस टॉप का भी किया नहीं, क्योंकि इस टाइम यहाँ पूरा बर्फ रहता है, इस वजह से ये टॉप नहीं कर पाते। लगातार थोड़ा थोड़ा जब तक फोन में बैटरी है तब तक वीडियो बनते रहेंगे और आपको पूरे अपने ये बुग्यालों का पूरा भ्रमण कराने वाला हूँ मैं, लगा लो आज से पूरे 1 महीने तक, और वीडियो तो 1 महीने बाद ही जा पाएगी। भाई अब भाई जी का टेंट लग रहा है इधर, इनका भी वही सिस्टम जैसा हमारा है। बाकी इन दोनों के साथ कोई इंसिडेंट हुआ आज, लेकिन बताएंगे नहीं हम अभी क्या हुआ। जब पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे ना तब बताएंगे बाद में, क्यों यहाँ देख लो ना चेहरे बता रहे हैं, लेकिन अभी चेहरे पे मुस्कान है, ठीक 1 हफ्ते बाद बताऊंगा क्या हुआ, अभी नहीं बता दूंगी भाई कि इनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ। नवीन भाई बताएंगे क्या हुआ। तो आज हमारे साथ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा जब आ रहे थे तो सुबह जो ये बर्फ़ है मान लो ये माइनस से नीचे था और बहुत टाइट हो रखा था, तो हम आ रहे थे तो हम सचिन भाई और मैं स्लिप हो गए और थोड़ा दूर जाके गिरे, थोड़ा बहुत चोट भी लगी है, क्या बताना आप कहाँ पहले निशान थे ये माथे पे देख, बाकी और भी है बता दे यार। ये आपको हंसते हुए चेहरे दिखाई दे रहे ना, लेकिन अंदर से बहुत गंभीर है आजकल। निशान देख लो, यहाँ देख लो ना, पहले तो यही है, असली कहाँ है वो बता दे यार, यहाँ देख लो ओ भाई। चलिए जी, फाइनली इस साल की पहली जड़ी के दर्शन हो गए हैं और ये देख लो, ये रही जड़ी, तब से ढूंढ रहा था अब जाके मिली। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। यह है दूसरा दिन और सुबह के करीबन 6:30 हो रहे हैं और अभी सूर्यदेव भी प्रकट हो गया है इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो सुबह सुबह हमारा नाश्ता बन रहा है, तो हीरो भाई ने चूल्हे में चाय रखी है, उसके बाद नाश्ता बनेगा हमारा, क्यों बस तैयारी है नाश्ते की और उसके बाद जड़ी ढूंढने जाएंगे आज वहाँ उस वाले पहाड़ियों पर। कल इधर ही ढूंढा था और ये वीडियो थोड़ा थोड़ा करके आएंगे प्रत्येक दिन जब तक बैटरी चार्ज है। गर्मा गर्म चाय बन रहा है आग में और उसके बाद नाश्ता बनेगा,
तब तक घर वाले भी आ जाएंगे, क्या पता आज जो घर से आ रहे होंगे यहाँ रहने के लिए वो भी आ जाएंगे। चलो भाई घर वाले पहुंच गए गुरुजी आज। गुड मॉर्निंग, आज ठीक हो रहा था वहाँ? आज सही था ना? कौन कौन आए? तो चले जी, आज का हमारा ट्रैक शुरू हो गया है सुबह के करीबन 7:30 बजे से। तो लगा लो यहाँ से उस पार जाना है, और यहाँ पे बीच में ग्लेशियर होगा, अगर टाइट होगा तो ये ऐसा काम करेगा उसके लिए। तो चलते हैं, मैं और हीरा भाई जा रहे हैं आगे से, देख लो हीरा भाई चल रहे हैं और पीछे पीछे मैं। तो आज आपको बिल्कुल दूसरी लोकेशन से वीडियो दिखाएंगे। यहाँ से शुरू हो जाता है ग्लेशियर, जगह जगह अलग अलग पार्ट में है, तो यहाँ से फिर ग्लेशियर, फिर थोड़ा चट्टान है, फिर ग्लेशियर, फिर चट्टान, ग्लेशियर, ऐसे ही है। तो निकलते हैं यहीं से सीधे आगे की ओर। तो भाई ग्लेशियर में जब भी डाउन में चलते हैं ना, बहुत रिस्की होता है, लेकिन क्योंकि चढ़ाई में आपका ग्रिप बन जाता है, लेकिन डाउन में बिल्कुल भी ग्रिप नहीं बन पाता। बाकी देख लो ना ग्लेशियर बिल्कुल यहाँ से नीचे जाने तक, और अभी न जाने ऐसे कितने पड़ाव आएंगे। कि ये खूबसूरत सी लोकेशन का आप आनंद उठा लीजिए, ऐसी जगह देखने को बार बार नहीं मिलती है। टेंट से काफ़ी दूर आ गया है, बाकी ये सारे ग्लेशियर पार करके और वहाँ रहा टेंट जहाँ अभी धूप दिखाई नहीं दे रही है बादलों की वजह से। और कल आपको ऊपर सिद्धनाथ जी के पूरे स्थान पे ले जाएंगे, और वहाँ इतना खूबसूरत जगह है ना, अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे ना, तो एक साल पहले मैंने एक वीडियोस डाली थी ऊपर की, तो उसमें चेक कर लेना, अगर वो नहीं देखा तो कल फिर दिखाने वाला हूँ। तो भाई अभी देख लो, टेंट तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, सामने हो रहा, इतने दूर आ गया अभी सुबह सुबह। बाकी यहाँ से नीचे गांव भी दिखाई देता, वो देख लो वो रहा गांव। और अब यहाँ से जड़ी ढूंढना स्टार्ट हो जाएगा, अभी थोड़ा ग्लेशियर है यहाँ से उधर जाएंगे। इधर जड़ी कैसी हो रही इस बार? वैसे तो उम्मीद है इधर आज ठीक ठाक जड़ी मिलेगी, फिर भी देखते हैं कैसा रहता आज का दिन। तो दोस्तों कल लास्ट क्लिप मैंने वहाँ का डाला था, वहाँ थे हम कीड़ा जड़ी ढूंढने के लिए। तो आज ये देख लो बिल्कुल भुग्याल कोटी के सामने है, कल उसके नीचे थे हम लोग। तो आज आपको एक अच्छी लोकेशन दिखाने वाला हूँ। हो चुकी है और मैं चढ़ाई की ओर चढ़ रहा हूँ, लगा लो थोड़ी देर बाद आपको एक अच्छी लोकेशन दिखाने वाला हूँ। यानी जो मैं बात कर रहा था, सोना भुग्याल, सोना खर्क, सिद्धनाथ जी के निवास स्थान जहाँ सिद्धनाथ जी का मंदिर है, तो उस ओर ले चल रहा हूँ। तो फिलहाल चढ़ाई में हूँ, तो सांस भी बहुत तेज़ फूल रही है, टोपी वगैरह उतार दी है क्योंकि थोड़ा बहुत गर्मी भी लग रही है, बाकी जैकेट वगैरह नहीं उतारेंगे, गर्म ठंडा हो जाएगा फिर, वैसे में तबीयत ख़राब होने का डर भी है। तो चलिए इस चढ़ाई को पहले पार करते हैं, जैसे ये चढ़ाई पार हो जाएगी तो वहाँ समतल मैदान नज़र आएगा आपको।